हम लोग ने पिछले क्लास में टाइम्स ऑफ नाउन पढ़ा था, इसके थ्री टाइम्स हम लोग पढ़ लिए। आज मटेरियल का, द नाउन विच डिनोट्स द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस, वैसा नाम जैसे किसी द्रव्य पदार्थ का बोध, जिसे हम लोग तौल तो सकते हैं मगर गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, उसे हम क्या बोलेंगे? मटेरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल, वाटर, राइस, मिल्क, इन। और वाटर राइस को हम लोग तौल सकते हैं मगर गिन नहीं सकते ना, काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इसलिए हम क्या बोलेंगे? मटेरियल नाउन। लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन सी, वी कैन से ओनली थिंक ऑफ और फील बट कैन नॉट सी और टच। वैसा नाउन जैसे गुण, अवस्था या विचार या भाव के नाम का बोध कराता है, जिसे हम लोग देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, बस उसे हम लोग छू नहीं सकते, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, गुडनेस, काइंडनेस, डार्कनेस। अब किसी की अच्छाई को हम लोग टच नहीं कर सकते ना, बस फील कर सकते हैं, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमारे काइंड्स ऑफ व्हाट इज नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन कंप्लीट हो गए। जैसे नाउन, हम फिर से पर रिवाइज कर देते हैं, जैसे नाउन किसे कहते हैं? A noun is the name of person, place, animals or thing. Example, Ram, Shyam, Gita, Bible. Of kinds of noun. Kinds of noun कितने हैं? 5. पहला proper noun, दूसरा common noun, तीसरा collective noun, चौथा material noun, पांचवा abstract noun. अब proper noun हम लोग किसको कहते थे? A proper noun is the name of particular person, animals or thing. वैसा noun जैसे किसी जानवर, वस्तु, स्थान, किसी खास जानवर, वस्तु, स्थान का बोध, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाम। जैसे राम, श्याम, लक्की, यमुना, रामायण, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाम। अब आता है कॉमन नाम। अ कॉमन नाम इज द नेम गिवन टू इन कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल्स, प्लेस और थिंग। ऐसा नाम जिसे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध ना होकर उसकी पूरी जाति, श्रेणी के बारे में बताया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन। जैसे एग्जांपल, रिवर इज ए प्रॉपर नाउन बट, सॉरी, रिवर इज ए कॉमन नाउन बट यमुना इज ए प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पे रिवर क्या हो गया हमारा? कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन यमुना। ठीक, फिर नेक्स्ट है कॉलेक्टिव नाउन। जिस नाम से एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉलेक्टिव नाउन। और कॉलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन और थिंग्स taken together and spoken as a one whole. For example, committee, mob, class, family. अब आते हैं material noun. The noun which denotes the name of material. वैसा noun जिसे किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, जिसे हम लोग गिन तौल सकते हैं मगर काउंट नहीं कर सकते, उसे क्या बोलेंगे? material noun. For example, water, milk, rice. And last one, abstract noun. An abstract noun is the same quantity, some quantity, state, feeling or idea that we can think or feel but cannot be see or touch. वैसा गुण, अवस्था या विचार या भाव जिसे जिसको हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, थिंक कर सकते हैं उसके बारे में, उसको टच नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते, सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि आपका ट्रूथ, काइंडनेस, ग्रेटनेस, डार्कनेस, इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमारा नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन कंप्लीट हो गया है। देन यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, देन यू आस्क इन व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, थैंक यू।